हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम मॉक टेस्ट थर्ड करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक हमने अपने फर्स्ट टू मॉक टेस्ट थे वो फैमिली स्टडीज़ टॉपिक में से किए थे, फैमिली स्टडीज़ यूनिट में से किए थे, जो कि हमारी 8th यूनिट है फॉर NTA UGC NET JRF 2020 होम साइंस के लिए। आज हम MCQs लेके आए हैं आपके हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन, जो कि हमारे यूनिट 6 है उसके ऊपर से। सो, ये बेसिकली जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आफ्टर हमारा सिलेबस मॉडिफाई हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है और हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुआ है, तब के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड इन इवेल्युएटिंग अ डिज़ाइन। किसी भी अगर हमें डिज़ाइन को इवेल्युएट करना हो तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया हमें निभाना पड़ेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ऑनेस्टी, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिफिकेशन ऑफ डिज़ाइनर, अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स और डिस्काउंट। तो यहाँ पर कुछ एक कोड्स दे रखे हैं, तो हमें क्या देखने हैं कि इन कोड्स में क्या क्या चीज़ें हमारी वैलिड है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारी हो सकती है। तो देखिए, जब भी हमें इवेल्युएट करना है किसी भी डिज़ाइन को, तो डिज़ाइन को इवेल्युएट करने के लिए इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी डिज़ाइनर से अपने घर की इवेल्युएशन कराते हैं, सपोज़ मैं एक घर बनाना चाहती हूँ, तो मैं किसी डिज़ाइनर को, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि जस्ट अब नाउ हमें इवेल्युएशन करके दिखाओ। तो उस टाइम पे क्या चीज़ होता है कि उस पर्सन की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़ यहाँ पर सही होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सो कोड्स में से करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज़ उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो बढ़ा चढ़ा के कोई भी रेट्स हमें बता दे, ठीक है। उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जितना टाइम, जितना मनी, जितना मटीरियल जिस तरह का वहाँ लगेगा वो उतना ही बताए। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिज़ाइन, मतलब कि जैसा डिज़ाइन है उस पर्टिकुलर हर एक डिज़ाइन का सेम रेट, कि आपने 10 रूम्स बनवाने, 10 सेम बनेंगे ऐसा नहीं है। जिसका जैसा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इवेल्युएट करे। एंड लास्ट इज़ आर अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स। और ऐसा भी होना चाहिए कि जितने भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में हम डिज़ाइनिंग करा रहे हैं, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमने वहाँ पर इस्तेमाल करने हैं उन सब का अरेंजमेंट भी कन्फर्म होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ एम्फसाइज, वो तालमेल उनका बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स है या फिर आपके डिज़ाइंस हैं, उन सबको अप्रोप्रिएट देख के सारे एलिमेंट्स को, और उसके बाद ही उसको डिज़ाइन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ डिज़ाइनर, क्योंकि क्वालिफाई हर कोई होता है, आप सब लोग जानते हैं, है ना, हर किसी ने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन कर रखी होती है, लेकिन क्या वो उतना पर्टिकुलरली एलिजिबल होता है, क्या वो पर्टिकुलर उतना एफिशिएंट होता है किसी भी काम को करने के लिए। एंड डिस्काउंट यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ हाउस इज बिल्ड फॉर अ पर्पस ऑफ बिकमिंग अ होम। जब हम किसी भी एक घर को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं किस पर्पस से, कि वो एक घर लगे, हाउस को बनाते हैं एक घर के लिए। तो आपको पता है हाउस और घर के अंदर क्या फ़र्क होता है, कि जहाँ पर कोई भी हमारे पर्सन्स रहते हैं उसको लाइवलीहुड बनाते हैं, लाइव बनाते हैं। कंप्लीशन ऑफ द आउटर शेल्स डज नॉट नेसेसरी क्वालिफाई इफ इट फॉर दैट पर्पज़। तो उसको कम्प्लीट करने के लिए आउटर, बाहर की कौन सी चीज़ें नेसेसरी नहीं है, और कौन सी फैसिलिटीज़ हमें हमारे घर को, हमारे हाउस को घर बनाने के लिए चाहिए होती है, इनका ये क्वेश्चन है। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे उस हाउस में जो हमारे हाउस को घर बना सके। सो ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज़ फिनिशेज ऑफ द वॉल, वॉल की फिनिशेज, पानी की सप्लाई, डैम्पनेस, डैम्पनेस का मतलब क्या है, सीलन आपकी, मॉइस्चर, इक्विपमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो कोई भी ऐसी मूवमेंट, कोई भी ऐसा एरिया जो सेम लेवल पे कवर करे, जैसे आपका हॉलवे हो गया, पाथ हो गया, एंट्रेंस या एग्जिट हो गया, वो सारी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज थर्ड। तो सबसे मेन क्या चीज़ है, वॉल की फिनिशिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वाटर की सप्लाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चर का इस पर कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा या नहीं होगा तो वो हाउस को होम नहीं बना सकता। लेकिन इक्विपमेंट्स का कंट्रोल टेम्परेचर, हमारा घर हमें कंफर्ट फील कराने वाला होना चाहिए, हमारा घर हमें सेफ फील कराने वाला होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्रोलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है,
इनडायरेक्ट ग्लेयर, जो इनडायरेक्ट ग्लेयर मतलब चमक, जिसको चौंद या चमक बोलते हैं हम हिंदी में. सो इनडायरेक्ट ग्लेयर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सर्फेस इन टू द आई सच एज हेडलाइट ऑफ अ कार इन योर रियर व्यू मिरर. तो जब भी हम अपने शीशे में देखते हैं ड्राइव करते हुए, तो हमें एकदम से आंख में क्या होता है, बिल्कुल आपने देखा होगा अगर कोई स्पेक्स पहनता है तो बोलते हैं एंटी ग्लेयर स्पेक्स ले आओ. ठीक है, ग्लेयर मतलब चमक ना पड़े, चौंद ना पड़े. तो उस चीज़ के लिए अगर हम हेडलाइट्स ऑफ द कार को हम क्या कर देंगे, रियर व्यू मिरर के अकॉर्डिंग हम उसकी जो हमारा इनडायरेक्ट ग्लेयर है, मतलब जो डायरेक्टली चमक नहीं आ रही लेकिन तिरछी इनडायरेक्ट वे से जो चमक आ रही है, उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्टरिंग द एंगल ऑफ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स, जो भी इनडायरेक्ट लाइट सोर्स आ रहा है उसका हमने एंगल ही बदल देना है. तो आप सोचिए, आपको ना इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप उसका उसको चेंज कर देंगे तो बट नेचुरल है क्या होगा कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है. दूसरा है हमारा कि हम उसमें शील्ड को यूज़ करें. शील्ड को यूज़ होता है ना कि किसी भी एक कवरिंग को यूज़ करें. यस, इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल. नेक्स्ट है हमारा हुड्स एंड विजर्स कैन बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अराउंड द रिफ्लेक्टिव सर्फेस. अगर हम हुड्स और विजर्स को लगा दें उस पर्टिकुलर सर्फेस पे जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो यस इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, है ना. नेक्स्ट है फोर्थ हमारा, अवॉइड यूज ऑफ रेयर व्यू मिरर एट नाइट. ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेयर व्यू मिरर को ही ना देखें, बिकॉज वो नेसेसिटी होती है. और प्लेसिंग अ कलर फिल्म, और हम उस पर कलर फिल्म भी नहीं चढ़ा सकते, बिकॉज सही कलर नहीं पता चलेगा, सही डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, दिन रात का फर्क नहीं पता चलेगा. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट थ्री आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion, रीजन का क्वेश्चन जिसमें assertion दे रखा है, दैट इज lighting मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड aesthetically प्लीजिंग. aesthetically का पहले हम मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं. aesthetically का मतलब होता है जो भी प्लेजर दे, जो भी अच्छा फील दे, अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से अच्छाई अच्छा फील हो. और यहाँ पर हम ये बात करेंगे अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, आपके गार्डन्स हो गए, किसी भी फैक्ट्री किसी भी हाउस के, तो वो क्या देते हैं, वो एक अच्छा फील देते हैं, एक एस्थेटिक लुक देते हैं. तो इसी तरीके से क्या लाइटनिंग भी इंटरेस्टिंग और एस्थेटिक प्लीजिंग लुक देती है? यस इट्स ट्रू. सो हम यहाँ पर भी एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाएंगे. ट्रू बोल रही हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर ए भी हमारा करेक्ट है, मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट है. फर्स्ट टू तो हमने पहले ही कट कर देने, ये दोनों पॉसिबल नहीं है. अब हम बात करेंगे रीजंस की. तो रीजन करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है. सो ऑल अनकवर्ड लाइट, जितने भी अनकवर्ड लाइट सोर्सेज हैं जो कवर नहीं होते, क्या वो एस्थेटिक अपीलिंग लुक देते हैं? नो, इट्स टोटली रॉन्ग. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ. क्योंकि जो अनकवर्ड, मतलब जो चीज़, आप सोचो आपका कोई बल्ब हो या कोई भी चीज़ हो, वो कवर ही नहीं है, तो वो उतना एस्थेटिक अपील नहीं देता. मीन्स आपका नॉर्मल LED और आपका लैम्प शेड, तो आप देखेंगे कि लैम्प शेड जो है वो एक अच्छी लुक देगा एज कंपेरेटिव टू योर नॉर्मल LED और बल्ब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स. इनमें से कौन से ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स है? ये हमारा अभी तक हमने जो किए थे वो दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस थे, अब हम जुलाई 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है? कमर्शियल बोर्ड्स, प्लास्टिक बोर्ड्स, पोजोलेनिक मटेरियल, सीमेंट, बैम्बू बोर्ड. तो इनमें से इन्होंने क्या बोला है, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल. तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कोड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है, दैट इज़ फर्स्ट. कैसे? कमर्शियल बोर्ड्स आर योर हमारे बोर्ड्स हैं, वो प्लास्टिक बोर्ड्स नहीं होंगे, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉट इन ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, इट्स नॉट इको फ्रेंडली. एंड पोजोलेनिक मटेरियल कौन सा होता है? जो सिलिकॉन का एल्युमिनियम मटेरियल होता है, क्लियर. और जो क्या करता है, जो एक जिसकी एक अलग ही केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कैल्शियम हाइड्रोजन, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर फॉर्म करती है एक अलग ही प्रॉपर्टी के साथ, और जो हमारी इको फ्रेंडली भी साथ के साथ होती है. वो क्या करती है, उसके अंदर ये एक ऐसा एल्युमिनियस मटेरियल आप इसको कह सकते हैं, जो या तो बहुत कम या ना के बराबर सीमेंटियस वैल्यू देता है, क्लियर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट और बहुत अच्छा, जैसे सीमेंट का कोई चीज़ बनी हो उसी तरह का शो करता है. सीमेंट वहीं पर हमारा नहीं है, हमारा ग्रीन बिल्डिंग. और बैम्बू आपको पता है, वुड से बैम्बू आपके स्टिक्स होती हैं, आपका ट्रेज से मिलके बना है, दैट इज़ योर ग्रीन बिल्डिंग मटीरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन. यहाँ पर हम फिर दोबारा से अपना एलिमिनेशन मेथड को अपनाएंगे. बे विंडोज, बे विंडो, सबसे पहले तो बे विंडो कौन सी होती है? आपने देखा है कई बार आपका जो बाहर वाली जो
फ्रंट में बाहर की जो दीवार होती है उस पे एक एक विंडो ऐसी बनी होती है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है, बाहर की साइड निकली हुई होती है, उसको हम बे विंडो बोलते हैं। सो बे विंडो क्या आउटवर्ड ऑफ फ्रॉम द फेस लाइन ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, की बिल्डिंग की वॉल के बाहर की तरफ निकली होती है। यस इट्स करेक्ट, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वही डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ए हमारा जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर एजर्शन इज करेक्ट एंड दिस सेकेंड और थर्ड कट हो जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड में से कोई ऑप्शन हमारा वैलिड रहेगा, अब देखते हैं कौन सा रहेगा। इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग अ इंटीरियर इंक्रीजिंग फ्लोर एरिया टू अलाउ मोर सिटिंग, क्या ज्यादा सिटिंग्स हो इसके लिए हम इसको बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरिंग इंटीरियर स्पेस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब जो स्ट्रक्चरिंग मतलब हम जब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इंटीरियर अंदर के स्पेस का जब स्ट्रक्चर करते हैं तो किन किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। देखिए अब जब भी आप अंदर का स्पेस देखना है, अब सपोज आप किसी रूम की बात करते हैं, आप किसी रूम को डेकोरेट करने की बात करते हैं, उसके अंदर फर्नीचर फर्निशिंग्स लगाने की बात करते हैं, तो आप क्या क्या देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, कितने लोगों ने वहाँ पर रहना है। बिल्कुल हम हमेशा ये देखेंगे कि इतने लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करेंगे, तो ए आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर ए हमारे सिर्फ दो में है, तो सेकंड और थर्ड को हम एलिमिनेट कर देते हैं। मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज, और हम ये भी देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए बैठने के लिए हमें उस स्टडी रूम कर रहे हैं हम, तो हमें वहाँ पर काउच लेटने की कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो क्या आपको लगता है हमें वहाँ पर काउच या कोई भी बेडिंग डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। तो हम वहाँ पर ये भी देखेंगे कि मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, पर्टिकुलरली एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ये भी हमारा ठीक है ना, यहाँ पर हमारा ये भी ऑप्शन ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाना चाहिए। ये देख लेते हैं पहले हम, यस फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पेस विद वन अनदर। आप देखते हैं ना कि आपने कभी देखा होगा पूरा कमरा बिल्कुल भर के नहीं रखते हैं, आपस में बैलेंस देखते हैं कि आपका रिलेशन कैसा है सारा का सारा, पर्टिकुलरली स्पेस एक हिस्सा एक कोना दूसरे कोने से। देन रेंडरिंग प्लान, प्लान को रेंडर करना इज नॉट लाइक हम आर स्ट्रक्चरल इंटीरियर एंड इनकम ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, मेरी कितनी इनकम है इससे मेरा स्पेस नहीं जस्टिफाई हो सकता, उसके अंदर का मटेरियल जस्टिफाई हो सकता है कि मैं मेरे को महंगा लगाना है या सस्ता लगाना है, बट स्पेस मेरे को ये नहीं है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हूँ तो मेरे को बहुत खुला डुला स्पेस चाहिए, यू नो तो आप स्पेस नहीं जस्टिफाई कर सकते, इसलिए आपका फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करना है। सो सॉफ्ट फ्लोरिंग क्या चीज़ होती है, हमारी सॉफ्ट फ्लोर क्या चीज़ होती है, कारपेट्स, रग्स हमारे एरिया रग, हार्ड फ्लोरिंग क्या होती है, मार्बल की होती है, और साउंड प्रूफ की क्या होती है हमारी, आपने देखा है आप पीवीआर में जाते हैं, ठीक है डिस्क में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका रबर फ्लोरिंग होती है, वो साउंड प्रूफिंग होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल नॉर्म्स स्पेसिफाइड फॉर वेरियस एक्टिविटीज कीपिंग इन माइंड द इक्विपमेंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट एडिटेड बाय बेचल एंड वेलीमन 2006 आर रेफर टू एज। तो यहाँ पर कई बार हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली इट्स नॉट आउट ऑफ द बोर्ड बिकॉज ये आपका जो भी हमने अभी तक स्टैंडर्ड साइट प्लानिंग बिल्डिंग डिजाइन इनकी बात करें उसी के अंदर से है, पर कई बार थोड़ा सा इंट्रेंसिक अंदर के भी क्वेश्चन ये दे देते हैं, तो इन्होंने बोला जो भी हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ को माइंड में रखते हुए क्या हमें इक्विपमेंट्स और उनके रिक्वायरमेंट के बारे में कोई काम करना चाहिए, तो उस चीज़ को क्या रेफर करते हैं अगर हम इक्विपमेंट्स और उसके यूज़र उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं सारा आपको पता है, तो वो कहाँ पर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, न्यूफ्रेटिक आर्किटेक्चर डाटा है या बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है या स्पेस स्टैंडर्ड्स है। करेक्ट न्यूफ्रेटिक आर्किटेक्चर डाटा है बिकॉज ये आपका बिल्डिंग डिज़ाइन है, साइट प्लानिंग है, ये एक बुक लिखी थी अर्नेस्ट न्यूफ्रेट ने 1936 के अंदर, जिसके अंदर इसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्पेसिफाई किया था कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस प्लान्स आर 2D, इनमें से कौन सा हाउस प्लान हमारे 2D है, तो आप वीडियो देख सकते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ हाउस प्लान में है, उसमें पर्टिकुलरली बता रखा है कि 2D हाउस प्लान्स कौन से हैं और 3D हाउस प्लान्स कौन से हैं। सो फ्लोर प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, एलिवेशन प्लान, सेक्शन प्लान एंड लैंडस्केप प्लान। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए सी एंड डी, दैट इज थर्ड, हमारा फ्लोर प्लान, एलिवेशन प्लान एंड सेक्शन प्लान।
सो ये हमारा यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाता है, ये हमारा दिसंबर 2019 का स्टार्ट हो जाता है। देन द कोटेंट ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स बाय द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड। अब ये क्या चीज़ है, ये फ्लोर की कुछ बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनकी जो फुल फॉर्म्स है वो आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज ही हमने वीडियो अपलोड की है उसकी एब्रिवेशंस की, तो उसको आप ज़रूर देखिए। दैट इज़ आर FAR, दैट इज़ आर फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो की ये डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। दिस इज़ गृह NCB एंड IEQ, इनकी भी आप फुल फॉर्म्स जो हैं वो वीडियो से देख सकते हैं और उसको अलग से लिख सकते हैं, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन आप ऐसा मान के चलिए कि आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज ईजी होते हैं, ईजी टू यू नो अटेन होते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स कौन क्या चीज़ होती है हमारी, क्ले के मोल्ड्स होते हैं, ड्राई और बेक्ड करते हैं हम उसको क्लींस में, है ना, हम उसको भट्टी में बनाते हैं। वुड की बात करें तो आपको पता है टीक, डिडोर, मोहगनी और ओक हमारी ट्रीज की वुड के नाम है। कोर, कोर के आपने, क्वायर के आपने गद्दे देखे होंगे, यू नो मैट्रेसेस, तो पहले के टाइम में यही होते थे। फाइब्रस मटेरियल ऑफ द आउटर कोट ऑफ कोकोनट, के बाहर का जो हस्क होता है उसको कोर बोलते हैं। एंड पार्टिकल बोर्ड्स जो हैं हमारे, वो हमारे कौन से होते हैं, वेस्ट वुड फाइबर कंप्रेस्ड अंडर हीट एंड मॉइस्चर यूजिंग एडहेसिव, है ना। हम क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट वुड फाइबर्स होते हैं उनको कंप्रेस करते हैं हीट और मॉइस्चर के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट पिरामिड, जो पहले टाइम में पिरामिड्स होते थे, है ना, पहले टाइम में होते थे, पहली बात तो पिरामिड्स आर एग्जांपल्स ऑफ, कौन सा एग्जांपल होते थे ये, आपने अगर आपने द ममी या इजिप्ट की मूवीज देखी होंगी उससे भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर होता था, डेकोरेटिव पर्पज होता था, टेक्स्चर देते थे या इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाने के लिए देते थे, सो वो उनकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता था, उनका स्ट्रक्चर ही वही होता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हमें डिज़ाइन को के स्टेप्स को यहाँ पर बताना है। बेसिकली अगर आप रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं अपने पेपर फर्स्ट में, तब आप देखेंगे कहीं पर भी अगर डिज़ाइन के स्टेप्स की बात आती है तो वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। सो यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखते हैं डिज़ाइन डेवलप, सिस्टमैटिक डिज़ाइन, सीमेटिक डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, फिर हम उसका सीमेटिक डिज़ाइन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को डेवलप किया जाता है, उस डिज़ाइन को डॉक्यूमेंट किया जाता है और लास्ट में उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एम आई क्लियर? सो होपफुली ये 14 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद अस। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो मेल टू अस ऑन 3KMSFashion@gmail.com। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।